शिवाजी आपने जो एल्बम बनाई थी वो अच्छी चली, उसके बाद भी आपने एल्बम क्यों नहीं बनाया? अभी बस डिस्कशन चल रही हैं और इस बार मैं पहले से भी कुछ बेहतर करना चाह रही हूँ एंड समथिंग डिफरेंट. अभी इतना सडनली इन्फ्लक्स हो गया है म्यूज़िक का मार्केट में कि आई विल हैव टू बी वेरी डिफरेंट ताकि लोग सुने उसे. तो आई एम वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट राइट नाउ. आपकी फिल्म मिस 420 का क्या हुआ? अभी लास्ट पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है. हमने कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं फिल्म में, कुछ कंप्यूटर एनिमेशन इन कीपिंग अप विद टुडेज़ टाइम्स एंड अक्टूबर नवंबर में रिलीज हो जाएगी. आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में मैं कुछ अच्छे रोल्स करना चाहूँगी, कुछ अच्छी फिल्में, कुछ अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम, कुछ आई लाइक टू सिंग ऑल्सो इन द फ्यूचर. गाने भी गाऊंगी एंड अपनी एल्बम्स भी रिलीज करती रहूँगी. आपको किसके साथ काम करने से ज़्यादा अच्छा लगा? अभी तक जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. सबके साथ ही घुल मिल के एक फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया है, इतना कि जब फिल्म ख़त्म होती है तो बड़ा बुरा लगता है कि हाय ख़त्म हो गई, चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग एल्स. आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद एवरीवन. आई एंजॉयड वर्किंग विद पीपल. क्या आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ काम कर रही हैं? अगर नहीं तो क्या करना पसंद करेंगे? अभी फिलहाल तो नहीं कर रही, बट एज एंड व्हेन आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद एनी वन ऑफ देम. आपकी आने वाली फिल्में कौन-कौन सी हैं उनके बारे में बताएं? मेरी आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म तो मिस 420 है, जिसमें बाबा सैगल हैं और वीनस ने वो फिल्म बनाई है, उसके गाने बहुत ही अच्छे हैं. फिर मिस्टर सुधाकर बुखाड़े की संबंध है, जिसमें सैफ, पूजा, अतुल और मैं हैं और द डायरेक्टर्स लॉरेंस डिसूजा. एंड देन देयर इज अ फिल्म कॉल्ड वारंट, इट इज़ मेड बाय अ साउथ प्रोडक्शन, द डायरेक्टर्स अगेंस्ट मिस्टर लॉरेंस डिसूजा और उसमें अतुल, सुमित एंड मिथुन हैं. और फिर है जियो शान से मिस्टर प्राणलाल मेहता की, उसमें जय मेहता हैं और बहुत सारे धर्म जी वगैरह हैं. एंड एक फिल्म है धर्म और मर्यादा, जिसमें ओम पुरी है और मैं हूँ. इट्स अ डिफरेंट ऑफ बीट काइंड ऑफ फिल्म, जिसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ. एंड देयर इज़ अ फिल्म विद सुनील शेट्टी कॉल्ड काला साम्राज्य, दैट इज़ बॉबी केंट्स फिल्म. एंड वेरियस अदर थिंग्स विच आर नियर कम्प्लीशन, जो ये साल और अगले साल में रिलीज हो जाएंगी. शिवा जी, आप शादी कब कर रही हैं और शादी के बारे में आपने क्या सोच रखा है? मैं मे बी बाई नेक्स्ट ईयर आई गेट मैरिड एंड बट मैं काम नहीं छोड़ूंगी, आई कीप वर्किंग आफ्टर आई एम मैरिड. एंड शिवा जी, अगर आप हीरोइन नहीं बनती तो आप क्या कर रही हो? हीरोइन नहीं बनती तो अपने पापा के बिजनेस में हाथ बढ़ा रही होती. आई वुड नॉट बी इन इंडिया देन, बिकॉज मैं बाहर ही पली बड़ी हूँ, पढ़ाई भी बाहर की है, तो काम भी फिर बाहर ही करती, पापा के बाहर के ऑफिस संभालती. शिवा जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है और आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, पापा, नानी, भाई, बहन, छोटे छोटे कुत्ते सब हैं, सबसे बहुत प्यार करती हूँ. मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. काम के बाद मैं घर वापस आती हूँ तो मेरे दोस्त यार तो बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड. तो आई स्पेंड अदर देन वर्क माय टाइम इज स्पेंट विद माय फैमिली. अगर आप लड़की ना होकर लड़का होती तो क्या करती? बहुत उदास होती. आई फील वुमेन हैव अ बेटर डील इन लाइफ. आपने कई फिल्में की है, उसमें से आपको नहीं लगता कि आपने कोई गलत फिल्म साइन की जिसकी वजह से आपका करियर आगे नहीं बढ़ा और अच्छा था? नहीं, जब तक कोई पिक्चर चलते ही नहीं है आर्टिस्ट को कभी फ़ायदा होगा नहीं. और मेरे करियर में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि मेरी जितनी फिल्में मैंने साइन की कोई चली नहीं आज तक. हम हैं कमाल के सिल्वर जुबली हो गई लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, या सुरक्षा चली या रावण राज चली, ये हाल ही की फिल्में जो चली हैं मुझे उनसे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन काम मिलता रहा क्योंकि एज एन आर्टिस्ट एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी एंड दे सेड नो शी लुक्स गुड एंड शी एक्ट्स वेल, शी नीड्स द राइट ब्रेक. सो आई फील मिस 420 विल बी दैट फिल्म फॉर मी विच विल चेंज माई करियर ग्राफ.
आज के गानों में आपके फेवरेट तीन गाने बताएं। मुझे मिस 420 के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें से हाँ कह दे या ना कह दे, इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड अदर देन दैट आज के गाने, देयर सो मेनी रियली नाइस सॉन्ग्स। आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ, आई लाइक एक गाना जो कौन सी फिल्म थी महेश भट्ट की अभी आई थी, हाँ उसमें एक रोमांटिक गाना था, पता नहीं कौन सा था अभी, हाँ नहीं वो दुकान के अंदर जो होता है प्यार। आई लाइक द न्यू एल्बम बाय नुसरत फतेह अली कॉल संगम, एंड आई लाइक द खामोशी सॉन्ग। मैडम पब्लिक को मैसेज दीजिए टू ट्रस्ट इन गॉड। आई फील के आप इंसान में जितना भी कन्फाइड करेंगे इवेंचुअली वो चीज़ कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी, या इफ़ यू आर सैड अबाउट समथिंग और आप इंसान को बोलोगे, समबडी इज़ क्लोज टू यू ही विल आल्सो फील वेरी सैड। तो भगवान ही वो अल्टीमेट चीज़ है जो हम सबको कंट्रोल करती है, एंड उन पे ही विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, द थिंग दैट कीप्स अस गोइंग इन टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस। आई फील यू शुड बिलीव एंड ट्रस्ट implicitly in God, ke he knows what he's doing and he's doing right and he has good things in store for you. Message to the family. Which family? Everybody, everybody. Message to the family is love each other and be there for each other, support each other, because aapki family se pyari koi cheez nahi hai jo aapke, will always stand by you whether you're good or you're bad. Your family will love you regardless, and I feel के लड़कियों को दहेज नहीं देना चाहिए और लड़के वालों को दहेज नहीं देना चाहिए। Message to be an Indian. Be an Indian and be proud of it. You are in a country where great sacrifices were made, and it's a country which is progressing by leaps and bounds. And I am very, very proud to be born in India, and I'm proud that we are entering our 50 years of independence. And I can imagine ki hamare purane logon ne kitna struggle kiya humko ye maqam tak lane ke liye, and I'm so grateful and I'm so happy.